गाइस माय नेम इज अबू एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ रेंज सिमुलेटर। सो इन द लास्ट वीडियो आप लोगों को याद होगा हमने चिकन्स के लिए एक बहुत प्यारा सा चिकन कूप बनाया था एंड अभी आप देख सकते हो हमारी सारी सारी चिकन्स इसी चिकन कूप के अंदर रहती है एंड ये मुझे बहुत ही ज्यादा खुश लग रही है। और इन्होंने भी यहाँ पे अंडे वगैरह देना भी शुरू कर दिया है। तो हमारा सबसे पहले काम यही है कि इन लोगों के अभी मैं थोड़ी सी ना यहाँ से अंडे वगैरह कलेक्ट कर दूँ। चिकन्स के अंडे तो मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर दिए, दरवाजा खुला ही छोड़ दूँ मैं, नहीं खुला नहीं छोड़ता, दरवाजे को बंद करते हैं। एंड अभी मैं ये वाले जो अंडे है वो इस कार्ट के अंदर रखता हूँ क्योंकि हमें हमको बाद में इस शॉप पे भी जाना, क्या बोलते हैं उसको, जनरल स्टोर पे। और अभी चलते हैं पिक्स के पास। और अभी गाइज जब मैंने ऑफलाइन गेम खेला था ना तो मैंने काफ़ी सारे जो पिक्स बड़े हुए थे उनको मारा एंड उनको मारने के बाद तो उनसे मीट मिला था, मैंने उस मीट को भी बेचा और तब जाके अभी मेरे पास लगभग $3,000 है। तो $3,000 इसका मतलब आज हम अपने बान में एक काऊ को भी लेके आ सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ काऊ के साथ साथ हम एक नई कार भी परचेस करेंगे, मतलब अगर पैसे हैं तो यू नो स्पेंड करने चाहिए, ठीक है। तो आज मेरा वही काम है। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये जो बड़ा वाला ये पिग है इसको मारना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी मोटा हो चुका है। इसको मारने से पहले एक बार मैं देखता हूँ खाना पानी, ओह इनको थोड़ी सी खाने की गाइस ज़रूरत है। बट मैंने लास्ट टाइम ऑफलाइन बहुत सारा खाना यहाँ से मतलब मैं लेके आया था, यहाँ पर दो बैग्स में बोरियों की डाल देता हूँ ताकि ये लोग और थोड़ा खाना खाएं, जल्दी से बड़े हो जाए। लेट्स गो, मैंने खाना फुल कर दिया और अभी इसको मारना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मर जा यार, ये गन को हमेशा ना रीलोड करना पड़ता है। एंड गाइस और एक चीज़, ये ब्रिंग वाइल्ड मीट टू द हंटर्स हट, ये अभी तक हमने चैलेंज कंप्लीट किया ही नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हम इस चैलेंज को भी कंप्लीट करेंगे, मैं अभी उससे भी हमको थोड़े पैसे मिलेंगे। मर गया, अभी सबसे पहले इसको स्किन करते हैं। भाई कितना सारा मीट मिला, ये बहुत मोटा था ये वाला पिग। अभी मुझे ये मीट उठाने के लिए ये लेके आना, क्या बोलते हैं उसको, ये कूलर। और जहाँ तक मुझे पता है इस कूलर के अंदर 3 वाइल्ड मीट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा वाइल्ड मीट का चैलेंज है ना उसको हमको टोटल 8 मीट लेके देना है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 है, तो अगर मैंने आई थिंक एक दो डियर उसको और मारा ना तो मे भी हमारा काम हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर हम बाकी का मीट कलेक्ट करेंगे इस पिक का, इसको जाके हम बेचेंगे और उससे और थोड़े से पैसे आएंगे। और पैसे आने के बाद हम एक काऊ को भी परचेस करने वाला है, ठीक है। अभी सबसे पहले ये सारा सारा मीट इसके अंदर मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। बस इतना ही कलेक्ट होगा, नहीं अभी थोड़ा सा और कलेक्ट हो सकता है। तो ये मैं यहाँ पे दरवाज़ा बंद करके अभी सीधा निकल लेते हैं जनरल स्टोर के लिए, देन हम ये वाला मीट बेचेंगे। है वी गो, अभी हम सीधा जाने वाले हैं गाइस जनरल स्टोर्स में एंड वहाँ पे जाके देखते हैं हमको इस मीट का कितने पैसे मिलते हैं। मतलब जनरल स्टोर में नहीं, हम वो इसको बेचेंगे, क्या बोलते हैं उसको, बर्गर शॉप वाले को, क्योंकि वो बंदा काफ़ी अच्छे खासे पैसे देता है। और मुझे रास्ते में ये भी देखना है कि कहीं पे डियर वगैरह है क्या, क्योंकि मुझे उसका मीट भी तो कलेक्ट करना है ताकि हम उस हंटर को बेच सके। एंड लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है यहाँ पे भी मैंने एक डियर को मारा था। बट एक सेकेंड, वो मीट के शॉप पर जाने से पहले एक बार मैं कार की प्राइस चेक करता हूँ, कितने की कार है भाई, मुझे देखना है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस पिकअप। हाँ ये पिकअप है, इसके अंदर पिग्स आ सकते हैं, एक काऊ आ सकती है और दो गोट्स आ सकते हैं, 3 पिग आते हैं, दैट्स गुड, ये सही है। ATV ये पिकअप है, पिकअप नहीं यार ये बहुत छोटा है और ये 800 लगा, नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए। मतलब एक बड़ी सी कार SUV, बट इसके अंदर कुछ भी फिट नहीं होगा, है ना। $1,600 का गाइस ये वाला पिकअप आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसी को परचेस करते हैं। परचेस कर लिया हमारी, हमने सपनों की कार परचेस कर लिए गाइस, थैंक यू सो मच सर। आपकी ये कार कहाँ पे है मैं देख लेता हूँ। यस गाइस देयर यू गो, वी हैव अ ब्रांड न्यू कार, भाई क्या तगड़ी लग रही है कार, मतलब यू नो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसको देखकर। बट अभी मैं क्या करूँ, अभी भी UTV का नहीं, ये तो अपने घर के पास, ये काम करते हैं। ये सारा का सारा सामान अभी मैं हमने नई कार के अंदर मतलब शिफ्ट करवा देता हूँ। और भाई ये बहुत बड़ी है, देखो इसके अंदर में भी सामान भी है ना काफ़ी सारा फुट मतलब फिट होने वाला है। तो मैं जल्दी से जल्दी काम करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक यार, एक सेकेंड, ट्रैफिक को ना थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। एंड अपनी ATV को अभी के लिए मैं यहीं पर छोड़ूंगा, बाद में जाके हम मतलब इसको अपने घर पर भी लेके चले जाएंगे, ठीक है। लेट्स गो, अभी जल्दी से अपने कार के अंदर बैठते हैं एंड भाई इसको चलाने का फील एक बार देखते कैसा है। भाई रेस तो काफ़ी अच्छी हो रही है एंड भाई बहुत तेज दौड़ रही है, देखो 11 की स्पीड में आ गई इतनी जल्दी। भाई 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 इसका इंजन तगड़ा है। वेट, मैं इसको कस्टम भी कर सकता हूँ ना। हाँ यार थोड़ा सा कस्टम करते क्योंकि कलर बहुत अजीब लग रहा है ना। लेट मी सी सैचुरेशन वगैरह है यहाँ पे, कौन सा कलर करूँ। वेट कलर चेंज नहीं हो रहा है, विच कलर गाइस, रेड कलर नहीं, ब्लैक अच्छा रहेगा यार मेरे हिसाब से। एक काम करता हूँ, सैचुरेशन फुल करते हैं ऐसे एंड ब्लैक कलर। हाँ और ये एक्स्ट्रास क्या है, वो काफी तगड़ी लग रही है अभी तो। या लेट्स गो अपग्रेड द कार, और भाई मेरे पास बस अब $1,500 बचे हैं। वाओ गाइस बहुत प्यारी लग रही है, लेट्स गो अभी सीधा चलते हैं मीट शॉप में, बर्गर शॉप में, वहाँ पे जाके ये मेरे सारे के सारे
मीट बेच के आता हूँ। भाई यार ये गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है, सीरियसली अभी गाड़ी को यहाँ पे रोकते हैं। मतलब देखो मेरी हाइट से भी ज़्यादा बड़ी है, और जब मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाया ना उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। लेट्स गो ओपन द शॉप। 1.7% प्राइस मल्टीपल हो रहा है। अभी देखते कितने पैसे मिलेंगे। वैसे मेरे पास थोड़े से अंडे भी है, तो वाइल्ड मीट के मेरे को $360। एक सेकेंड, मुझे वाइल्ड मीट नहीं बेचना है क्योंकि वो हमको उस हंटर को देना है, ठीक है। तो ये $360 में पोर्क जाएगा एंड एग्स के $72। लेट्स गो गाइस, बिजनेस हमारा काफ़ी तगड़ा चल रहा है। वैसे अभी मेरे पास कितने पैसे, भाई $2000 इतनी जल्दी आ गए, नाइस। और अभी मुझे ना एक काव भी परचेस करनी है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि वो जो वाइल्ड हंटर का जो चैलेंज है ना, इसको हमको वाइल्ड मीट देना है उस बंदे को, वो वाला चैलेंज एक बार हम ना कंप्लीट करके आते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे डियर कहाँ पे है। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने यहीं पे कहीं पे एक डियर भी मारा था। कहाँ पे मारा था यार, मतलब उसको मैंने स्किन नहीं करा था। ओह नो, ओह भाई नई गाड़ी है, नई गाड़ी को ठोक दिया मैंने। भाई भाई वो ठीक से यार, नहीं गाड़ी को गाइस कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, जो कि अच्छी बात है। भाई डर गया था मैं, ठीक है गाड़ी को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। हाँ ये रहा गाइस वो हिरन जिसको मैंने लास्ट टाइम मारा था और स्किन नहीं करा था। सबसे पहले इसको स्किन करते हैं, हो जाए जल्दी से स्किन। अरे स्किन करना है वैभव, क्या कर रहा है। देखिए गो स्किन हो गया, और जिसमें वाइल्ड मीट है उस बॉक्स को उठाते हैं यहाँ से। भाई ये हर बार खोलना पड़ता है। वाइल्ड मीट, या वाइल्ड मीट इसके अंदर है, तो कितना हो जाएगा अभी, 1 2 3, तो अभी 6 हो गया। ओके 6 हो गया, और अभी हमको एक और मतलब फाइंड करना पड़ेगा हिरन, उसको मारना पड़ेगा, देन हम उस वाइल्ड मीट को उस हंटर को बेच सकते हैं। तो अभी पता नहीं भाई आसपास कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले अभी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं एंड ओ वेट, ओ एक सेकेंड गाइस, सामने की तरफ है, यहीं पे कहीं पे मैंने गाइस हिरन देखा था। तो मैं काम करता हूँ, यही वाला जो हिरन है उसी को मारते हैं, देन हमारे पास टोटल 8 मीट आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे गया वो, अभी यहाँ पे था, ओ वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे मरने वाला ये। Yes guys, there you go। अभी हमारा चैलेंज कंप्लीट होने वाला है, बस यहाँ पे भालू ना आ जाए। ओके अभी जल्दी से चलते हैं उस वाइल्ड हंटर के पास एंड उसको ये बीट में मीट बेचते हैं। सो स्किन हो जा, आई एम सो सॉरी। 1 2 3, इसको बंद करते हैं एंड अभी सीधा चलते हैं उस हंटर के पास। एक बार मैं मैप में मार्क कर देता हूँ उसका घर। ओ हंटर का घर यहाँ पे, तो हमको इस तरफ जाना, ठीक है। लेट्स गो, यहाँ से हमको राइट लेना है एंड ये यही पहाड़ों में रहता है वो हंटर, अभी उसी के पास चलते हैं। ये आ गया उस हंटर का हट एंड अभी मुझे क्या करना है, मीट वाला कौन सा बॉक्स है, या इसके अंदर मीट है, वाइल्ड मीट। ये ले भाई वाइल्ड मीट, और प्लीज़ अगर इसने मेरे को पैसे दिए तो अच्छे है, नहीं तो या आई हैव बॉट द मीट। ओह यस $200 गाइस लेट्स गो। अभी ये क्या है, निम्बल रैबिट्स, नहीं अभी नहीं, मुझे इसका कोई चैलेंज कंप्लीट नहीं करना है, गुड बाय सर। मैं आपके पास बाद में आऊँगा क्योंकि अभी मुझे काउ को भी परचेस करना है, बट आई डोंट थिंक सो कि काउ इतने में फिट होगी यहाँ पे, आई डोंट नो गाइस, बट कोशिश तो करेंगे हम। अभी सीधा चलते हैं जनरल स्टोर्स में, और वैसे अभी मेरे पास पैसे कितने हैं, या $2000 है मेरे पास, तो आई थिंक आई कैन बाय अ काउ, पता नहीं। अभी सीधा चलते हैं जनरल स्टोर्स में, और मुझे अपनी कार के अंदर थोड़ा सा फ्यूल भी डरवाना है भाई, मुझे ना कार को थोड़ा सा प्यार से चलाना है। एंड ये आ गया जनरल स्टोर, यहाँ पे भी कार को पार्क करते हैं एंड एक काउ परचेस करते हैं ध्यान से। लेट्स गो गाइस, हम आ गए और बारिश शुरू होगी जो कि बहुत बुरी बात है, बट एनीवेज लेट्स गो एंड बाय सम काउज। काउज कितने की है, $650 की एक काउ है। थोड़ा सा वीट वगैरह भी परचेस करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं एक ही काउ परचेस करूँगा एंड देन बाकी काम बाद में देखते हैं। और थंडर स्टॉप, भाई यार ये बड़ा, ओ बिजलियाँ चमक रही है, भाई यार ये तूफान क्यों आता है इस गेम में यार, सीरियसली मुझे पता नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मेरा मूड खराब हो जाता है। ये बहुत तेज़ बारिश होती है और मुझे अभी पेट्रोल भरवाने के लिए भी जाना है। भाग रही है काउ, भागो मत चलो, आई थिंक ये डर रही है थंडर स्टॉप से। और अभी काउ इसके अंदर लोड कैसे करते हैं, E2, ओ लोड हो गई भाई, आ गई कार अपने ट्रक में। और अभी मुझे ये रखवाना पड़ेगा यहाँ पे, ओ यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, तो ओ यस गाइस बहुत सारा स्पेस है, हाँ परफेक्ट गाइस, सारा का सारा सामान फिट हो गया। और अभी जल्दी से चलते हैं गैस स्टेशन पे, मैं गैस स्टेशन को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। भाई बारिश बहुत तेज हो रही है, और ये आ गया आई थिंक गैस स्टेशन आ गया। ओ भाई पलटी हो गई भाई, काउ के साथ कार पलटी हो गई, बट कार को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो प्यार से गाड़ी चला भाई, बट एनीवेज ये गेम है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सबसे पहले हमारी गाड़ी के अंदर हम फ्यूल भरवाएंगे, कहाँ पे गया ये फ्यूल वाला, एकदम टंकी फुल कर दो भाई। ओके इसका फ्यूल यहाँ पे भरता है, नहीं कहाँ पे भरता है, यहाँ पे। तो E2 ऑन, फ्यूल भरवाना गाइस हमने स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे $24 का आई थिंक फ्यूल आ गया, या $24 का फ्यूल आ गया एंड मुझे थोड़ा फ्यूल इसके अंदर पे डलवाना है एंड स्टार्ट। ओके स्टार्ट फ्यूलिंग, इसके अंदर कितने, मतलब $25 का कार में डलवा दिया, और $25 का भी इसमें आएगा।
नहीं इसमें ज़्यादा आता है. ओके $60 64. लेट्स गो. ये वाला भी जेरी कैन फुल हो गया. और अभी जल्दी से अपने घर पे चलते हैं और इस काव को अपने बांध पे लेके चलते हैं. या इसी रोड से हम जाएंगे क्योंकि अभी मुझे पता है कि ये रोड कहाँ से कहाँ पे जाता है. बारिश बहुत तेज़ हो रही है भाई. पता नहीं ये बारिश कब रुकने वाली है क्योंकि यार बारिश में ना एक तो मुझे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता मुझे कहाँ पे जाना है. या इधर से इधर 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 नो. दिस इज क्रेजी मैन. और 70 की स्पीड से हम यहाँ पे आ गए. और ये कार से मुझे याद आ रहा है कि भाई हमको एक ये भी तो बनाना है ना, गैराज. हमारे पास गैराज नहीं है तो अभी मैं काव को नीचे उतारता हूँ. आ जा भाई काव नीचे. और अरे भाग मत. चल आ जा इधर. इसको इधर से बस अंदर लेके जाना है. पिक कोई बाहर नहीं आएगा. जल्दी आ जा भाई नहीं तो ये पिक बाहर निकल जाएंगे. लेट्स गो गाइज. फाइनली वी हैव अ काव. काव को भी यहीं पे मैं ऐसे छोड़ने वाला हूँ. और काव को भी यहाँ पे खाना वगैरह खिलाना पड़ेगा. अंधे का ये धीरे धीरे पिग्स कितने ज़्यादा बड़े हो रहे हैं. वैसे ओ एक सेकंड गाइज, यहाँ पे खाना ख़त्म मतलब ये हो रहा है. मुझे खाना डालना पड़ेगा नहीं तो ये लोग मर जाएंगे. ठीक है एक बैग डाल दी मैंने. मुझे एक और बैग डालनी पड़ेगी. अब यार हट जाओ यार सामने से एक जगह पे. अरे पागल है क्या ये पिग. हाँ हट जाओ चलो. और एक को मैं यहाँ पे यार 15 एक और बैग डालनी पड़ेगी. भाई गाइज ये पिग्स सीरियसली बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो मुझे इनके लिए ना खाना भी टाइम टू टाइम मतलब लाना पड़ेगा. और ये 21 हो गया. और इसमें पानी की तो कोई कमी नहीं है. पानी ये लोग बहुत ज़्यादा कम पीते हैं. और अभी यहाँ से मैं बाहर नहीं काऊ बाहर नहीं आएगी. काऊ बाहर आ रही थी. एक बार मुर्गियों को देख लेता हूँ मैं क्या हो रहा है. बच्चे वगैरह इन्होंने भाई ये लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे. एक सेकंड भाई इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी पॉटी करी है. सबसे पहले मैं पॉटी को यहाँ से साफ़ कर देता हूँ. लेट्स गो. सारी के सारी गाइस मैंने यहाँ से पॉटी हटा दी है. और इन्होंने यहाँ पे अंडे भी काफ़ी अच्छे खासे देना शुरू कर दिया है. और आई थिंक मुझे इन लोगों को थोड़ा सा खाना भी देना पड़ेगा इसके अंदर. या खाना तो यहाँ पे काफ़ी सारा है. एक काम करता हूँ ये वाली जो बैग है इसको मैं यही पैसे खोल के छुड़ा देता हूँ. हाँ तो ये लोग यहाँ से खाना खाएंगे. और पानी ओ एक सेकेंड गाइस मुझे थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा. मतलब चिकन्स क्या करती है वो पानी बहुत ज़्यादा पीती है और खाना कम खाती है. तो यहाँ से इसको यहाँ पे देख के इनको पानी थोड़ा सा कलेक्ट करना पड़ेगा घुमा के. ये भाई बहुत सेटिस्फाइंग होता है ये इसको घुमाना. ओके आ जा ओके ऊपर आ गया. एंड इस बाल्टी को लेके जल्दी से चिकन्स को पानी दे देता हूँ मैं. लेट्स गो. दरवाज़ा बंद करो नहीं तो चिकन्स भाग जाएगी. लेट्स गो. पानी आ गया. सब कुछ एकदम फुल्ली परफेक्ट है. एंड अभी इसमें बाघ को एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा ना पानी इनको भी मैं मतलब दे के आता हूँ पिक्स को. तो ये बाल्टी के अंदर काफ़ी सारा पानी आता है एक बार में. या 18 लीटर्स हो गया आई थिंक वहाँ पे. और एक काऊ बाहर जाने की कोशिश कर रही है. ओ वेट E2 स्टार्ट मिल्किंग. ओ गाइज मैं इसका दूध भी निकाल सकता हूँ. आर यू सीरियस भाई साहब. ओके डी से इसका दूध निकालना है. DA ओके डी दबाने के बाद ए दबाना है फिर डी दबाना है. ओ दिस इज सो कूल भाई. मुझे पता नहीं था. देखा मैंने काऊ का मिल्क निकाल दिया. भाई तो क्या मैं इस मिल्क को भी बेच सकता हूँ देन. आई डोंट नो. अभी ना मैं काम करूँगा ये इस मिल्क को भी जाके बेचने की कोशिश करते हैं. पता नहीं भाई. ओह यस दिस इज सो कूल. और काओ ने आई थिंक मिल्क दे दिया. या वो चिल्ला रही है इसका मतलब. या आई थिंक उसने दूध दे दिया गाइस. और कितना दूध है मेरे पास अभी. अभी हट जा यार पिग. 7 liters ऑफ दूध भाई साहब. पिग दूध मिल गया. ओके तो ये दूध का क्या करूँ मैं. मुझे पता नहीं यार. मे बी मैं इस दूध को बेच सकता हूँ. एक काम करता हूँ मैं ना अपने ट्रक के अंदर इस मिल्क को एक बार बेच के आने की मतलब बेचने की कोशिश करता हूँ मैं. कूलर रहेगा यहाँ पे. एंड बारिश आई थिंक बंद हो रही है धीरे धीरे. लेट्स गो. फाइनली बारिश बंद हो रही है. और फिर से एक बार हम जनरल स्टोर पे जाने वाले हैं. तो मैं काम करता हूँ इन्होंने जितने अंडे दिए उन अंडों को कलेक्ट कर लेता हूँ. क्राउच करके नीचे बैठ जा. अभी अंडे कलेक्ट करने में ईजी होगा. लेट्स गो. गिव मी ऑल द एग्स. और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी ना मुर्गियों को भी लेके आऊँगा मैं वापस आते वक्त यहाँ पे. एंड एक अंडा यहाँ पे तो ये अंडा यहाँ पे उठा लो. लेट्स गो. कितने अंडे आ गए टोटल. आई थिंक ओके 8 eggs आ गए. तो इससे भी अच्छे खासे पैसे हमको मिल जाएंगे. और अभी जल्दी से अपनी कार के अंदर एग्स की बाटली रख के और ये दूध की मिल्क मतलब मिल्क की बकेट लेके हम जाने वाले हैं. बट आई डोंट थिंक सो कि मैं मिल्क को बेच सकता हूँ. मतलब मैंने कभी बेचा नहीं है. सो दैट्स मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि हम मिल्क को बेच सकते हैं. अभी काम करते हैं हम जाके सीधा ट्राई करेंगे कि हम मिल्क को बेच वगैरह सकते हैं कि नहीं. हाँ यहाँ पे दूध को बेचने की कोशिश करते हैं. पता नहीं यहाँ पे ये लोग लेते हैं कि नहीं. अबे अटक गया मैं. अबे क्या हो रहा है ये. ओके दूसरी तरफ आ गया. ओके ये लोग दूध नहीं यार. ये बस यहाँ पे बस फोर्क बीफ और रूस्टर मीट होता है. आई डोंट थिंक सो कि ये दूध. ओ यस भाई ये मिल्क भी लेते हैं. या भाई दूध बेच के भी पैसे कमाएंगे. लेट्स गो. $21 मिल रहे. दैट्स गुड. एंड अंडों से $48.
$1,500 हो गए गाइस, लेट्स गो भाई। ओके 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 समझ गया मैं, तो ये लोग अभी हम लोग मिल को भी बेच के पैसे कमा सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि फिर से एक बार अपने जनरल स्टोर में चलते हैं। इस बार ना मैं एक काउ को लेके आऊँगा और किसी मुर्गियों को, ताकि हमारा बिजनेस और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बिल्ड हो सके। 10 सेकेंड के अंदर मैं यहाँ पे जनरल स्टोर पे भी आ गया। भाई कार का एक्सीडेंट होते होते बच्चा है और मैं कहाँ पे आ गया, ये जनरल स्टोर के सीधा पीछे आ गया, मुझे इतना भी फास्ट नहीं आना था। लेट्स गो, अभी यहाँ से अपनी कार को सीधा जनरल स्टोर पे लेके चलते हैं। ये आ गया जनरल स्टोर्स एंड यहाँ पे अभी मैं थोड़ी सी मुर्गियाँ परचेस करने वाला हूँ एंड देन वी नीड सम काउज। सो एक बुल परचेस करते हैं भाई, $800 का मेरे पास बस $1,500 है एंड मुझे काफ़ी सारा खाना भी चाहिए होगा उनके लिए। तो मैं 5 बोरियाँ खाना लेता हूँ और थोड़ी सी चिकन्स में भी। एक बुल परचेस करा है, 2 चिकन्स एंड एक बैग ऑफ व्हीट। मैं सारा का सारा सामान नीचे उतार देता हूँ। सबसे पहले हम इस बुल को अंदर लेके जाएंगे। आ जा भाई, लेट्स गो, कार को स्टार्ट करते हैं और अभी जल्दी से इस बुल को अपने फार्म के ऊपर लेके चलते हैं। ये हम आ गए अपने फार्म पे, जल्दी से कार से नीचे उतरते हैं और इस बुल को नीचे उतारते भाई। आ जा चल नीचे भाई, कहाँ पे गए? ओ उधर, अभी भाग का रहा है। एक सेकेंड, अभी भाग क्यों रहा है इधर भाई? और अभी इस काऊ को बुल को अंदर लेके जाना है। आ जा भाई, आ जा, शबाश। आ गया बुल फाइनली घर के अंदर। अभी भाग मत, दरवाज़ा बंद कर लो। हाँ, अभी एक काऊ और एक बुल भी है, तो आई थिंक अभी ये लोग जल्दी मीटिंग भी करेंगे एंड बच्चे भी पैदा करेंगे भाई। ओके एंड पिग, भाई गाइस देखो पिग धीरे धीरे कितने बड़े हो रहे हैं भाई। इसको ना मैं लास्ट टाइम लेके जाना ही भूल गया, इस मीट को। लेट्स गो, इसके अंदर फिट होगा ये सारा का सारा, आई थिंक आ जाएगा। आ जा भाई। अभी यार 2 के लिए मुझे फिर से एक बार दूसरा लेके आना पड़ेगा क्या? एनी वेज ये यहाँ पे रखवा देता हूँ मैं। क्या इसमें बड़ा कंटेनर नहीं होता इस मीट को लेने के लिए? यार ये बड़ा होना चाहिए था, मतलब एक साथ आई थिंक इसके अंदर टोटल 10 फीट होता है मेरे हिसाब से। और ये आखिरी के 2 यहाँ पे, और मैं सोच रहा हूँ कि यार एक पिक को मार ही दूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़े से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। ओह यस, आई एम सो सॉरी भाई, बुरा लग रहा है मुझे। और यार इसने भी काफ़ी सारा मीट दे दिया। लेट्स गो गाइज, अभी सारे के सारे एनिमल्स तो डर रहे हैं, बट डरने की ज़रूरत नहीं गाइस तुमको। या फिट हो जा भाई। ओके यार 2 मीट के पीसेस फिर भी बच गए। एनीवेज अभी हम ये मीट बेचेंगे, थोड़े से और पैसे कमाएंगे। और इन चिकन्स को भी मुझे चिकन कूप के अंदर रखना है, तो इनको भी मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ जल्दी से। आ जा भाई चिकन, लेट्स गो। एक और चिकन आ गई और अभी एक लास्ट चिकन है, उसको भी मैं यहाँ पे रखवा देता हूँ। आ जा चिकन तू भी चल। तो ये भी चिकन मैं वहाँ पे रखवा देता हूँ चिकन कूप के अंदर। एंड इन्होंने अंडे दिए क्या वैसे? अंडे ये लोग अंडे अभी कम दे रहे हैं यार, पता नहीं क्यों। अब बाहर नहीं आएगा कोई? अभी बाहर का है, भाग रही है यहाँ पे अंदर रहो, ठीक है बाहर। ओ ये बाहर भागने की कोशिश कर रही है, पागल चिकन है, थिंक उसको बाहर जाना है। फिर से एक बार उस काऊ का मिल्क निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। कहाँ पे गई वो काऊ? काऊ ये रही, हाँ ये रही काऊ। आ जा भाई मिल्क दे दे। ओ नो मिल्क। ये मीट को भी मैं यहाँ पे रखवा के अभी अपनी कार को जनरल स्टोर पे लेके चलते हैं और हम ये मीट बेच के आएंगे। और थोड़ी सी और चीज़ें मैं परचेस करना चाहता हूँ, जैसे कि मिल्क टैंक, मतलब काउ से हम जो मिल्क निकालेंगे ना वो मिल्क टैंक के अंदर रखेंगे। और मैंने सुना है कि यार इसके अंदर एक मिल्क टैंक भी होता है। तो अभी चलते हैं जनरल स्टोर में। अपनी कार को थोड़ा सा धीरे चलाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ऐसे एक्सीडेंट्स होने वाले हैं मेरे लिए। यार अभी प्राइस कम मिल रहा है, 1.3%। एनीवेज आई थिंक मुझे $700 तो मिल जाएंगे। वेट एक सेकेंड, ये लोग वॉट इज़ हैपनिंग? मैं लेके तो आया ना मीट, आई थिंक कार पूरी तरीके से यहाँ पे अंदर नहीं आई है, दैट्स वाई यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तभी सोचो मैं भाई कि मीट यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। हाँ अभी आई थिंक हो जाएगा, लेट्स गो। देखा अभी वाइल्ड मीट को भेजते हैं, देन हमारा पोर्क जाएगा, ये जाएगा। $730 या $740 मिल गए गाइस। भाई यार ये बहुत सही सिस्टम है। और अभी हम फिर से एक बार जाने वाले जनरल स्टोर में। नहीं इस बार एक काम करते हैं, मैं हार्डवेयर स्टोर पे चलता हूँ एंड वहाँ पे भी आई थिंक कूलर्स मिलते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। या वहाँ पे भी आई थिंक कूलर्स हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ से अंदर चलते हैं, यहाँ पे कार फिट होगी ना? या इजिली फिट हो जा रही है भाई, लेट्स गो गाइज। हार्डवेयर स्टोर आ गया, कार से उतरते हैं एंड अभी देखते हैं हमको क्या क्या चीज़ें परचेस करनी है। सबसे पहले मुझे ये चाहिए, क्या बोलते उसको, कूलर। तो मैं 2 कूलर एक्स्ट्रा लूँगा या 3-4 लेते हैं, ठीक है। $300, मतलब $350 के आसपास मिल रहा है। एंड देन वी नीड, ये क्या है, ईयर टैग्स। ये क्या होता है पता नहीं, $100 का मिल रहा है भाई। मे बी ये मैं काऊ को लगा सकता हूँ, इससे क्या होगा बट मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। एंड और मुझे क्या परचेस करना था, हाँ मुझे मिल्क टैंक, या मिल्क कैन उसको मिल्क कैन बोलते हैं। तो इसके अंदर हम काऊ का मिल्क स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको भी मैं
ले लेता हूँ, परचेस कर लेते, ठीक है। तो इसको मैं परचेस कर लेता हूँ, लेट्स चेक इट आउट। हमने 4 स्टोरेज कैंस लिए, कूलर्स लिए एंड एक मिल्क टैंक लिया। मिल्क टैंक ज़रूरी है हमको, क्योंकि काउ से हम जो मिल्क निकालेंगे सीधा इसी के अंदर आएगा। या ये टैंक रहेगा यहाँ पे, और अभी मुझे सारे के सारे स्टोरेज यहाँ पर ठीक से लगाने पड़ेंगे। एंड स्टोरेज से गाइस मुझे याद आ रहा है, मुझे ना एक ट्रेलर भी परचेस करना है। एक बार ना मैं देख के आता हूँ ट्रेलर कितने का है वैसे, क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं है। मतलब मैं देखना ही भूल गया, बहुत महंगा है क्या ट्रेलर? वो भाई $2,000 का है एंड ये $600 यार। ये छोटा वाला बहुत छोटा है, मुझे बड़ा परचेस करना है। अभी नहीं, मे बी हम नेक्स्ट एपिसोड में स्टोरेज, मतलब ये ट्रेलर बाय करेंगे या नेक्स्ट एपिसोड में मतलब बाय करते हैं। अभी मैं बाय नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उतने पैसे नहीं है। या ये यहाँ पे आएगा। मैं कार को ना एकदम प्यार से चलाना चाहता हूँ। क्या इसमें फर्स्ट पर्सन मोड? ओ, इसमें फर्स्ट पर्सन मोड भी है। वेट भाई, ये कार दिन अभी चलाने में मजा आएगा। लेट्स गो गाइस, अभी हम फर्स्ट पर्सन मोड में ड्राइव करेंगे। लेट्स गो। कितने की स्पीड से कार जा रही है? 30 हो गई, 30-35 की स्पीड से। और ये हम आ गए अपने रेंज पे वापस। और ये जो बैग है मिल्क का टैंक, इसको मैं अंदर रखने की सोच रहा हूँ, ताकि इससे हम काऊ का जो मिल्क निकालेंगे सीधा इसके अंदर आएगा एंड देन हम इसको एक साथ लेके बेचेंगे। एक बार मैं देखता हूँ पिग ने कितना खाना खाया यहाँ पे। ओ वेट वेट वेट, इनका मुझे यहाँ पे एक बोरी डालनी पड़ेगी। लेट्स गो, एक बोरी डाल दी, पानी भी काफ़ी सारा है। और एक बार मैं काऊ का मिल्क निकालने की कोशिश करता हूँ। अभी हट जा यार, काऊ का मिल्क निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा काऊ, मो ई टू स्टार्ट मिल्किंग। या अभी मिल्क दे रही है, आ जाओ भाई, मिल्क लेते हैं, मिल्क लेते हैं भाई। ओ नो, क्या हो रहा है? ओ नो नो नो, आई थिंक इतना ही मिल्क है इसके पास, सॉरी। 3 लीटर बस दिया इसने भाई, ज़्यादा मिल्क दे दो यार। और ये इसके अंदर जाएगा ना? हाँ देखा, इसके अंदर 3 लीटर मिल्क भी आ गया, तो ये सही है। थोड़ा सा पीछे एंड कार को यहाँ पे पार्क कर दिया है। और अभी कार गाइस घर के सामने देखो कितनी सही लग रही है। और अभी कार से याद आया कि हमको कार के लिए एक पार्किंग एंड हमको एक स्टोरेज एरिया भी बनाना है, स्टोरेज हाउस। और वो मैं सोच रहा हूँ कि सीधा हमारे घर के सामने बनेगा यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो विंड मिल वगैरह है इसको ना मैं यहाँ से हटा देता हूँ। क्या मैं इसको हटा सकता हूँ ना? या इसको हटा सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे ट्रीज है मुझे इनको भी आई थिंक तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी जगह पे हमारा एक नया घर बनेगा। मतलब घर यानी कि हमारा स्टोरेज एरिया या एंड पार्किंग, जहाँ पे हम कार को पार्क भी करेंगे और स्टोरेज भी वहीं पे होगा। क्योंकि बारिश वगैरह होती है तो कार को मैं ऐसे खुले में नहीं छोड़ना चाहता। एग्जैक्टली घर के सामने हमारा गराज एंड वेयर हाउस बनेगा, तो उसका मैं ब्लू प्रिंट यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले फाउंडेशन होता है ना, वुडन फाउंडेशन यहाँ पे एक रहेगा। देन यहाँ पे एक बार ना जस्ट ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। 1, 2 एंड ये आखिरी यहाँ पे। लेट्स गो। तो इतना बड़ा हमारा आई थिंक फाउंडेशन सही रहेगा। या काइंड ऑफ आई थिंक ये सही रहेगा। एंड देन अभी वॉल्स बनाते हैं। वॉल्स का कहाँ पे? या ये वॉल्स है एंड ये वुडन फाउंडेशन। ओके, से वो स्टेयर्स है। लेट्स गो स्टेयर्स। तो ये बीच में रहेगी, ये वाले स्टेयर, हम यहाँ से अंदर जाएंगे। हाँ नाइस, लेट्स गो। ओके 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 ओके। एंड कार को हम कहाँ से लेके जाएंगे? मतलब कार को भी तो पार्क हमको यहीं पे करना है ना, तो कार को पार्क करने के लिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा वॉल जैसा बना दूंगा। ये यहाँ पे सामने, यहाँ पे नहीं बन सकता क्या ज़मीन पे? आई थिंक उसके लिए भी हमको फाउंडेशन चाहिए होगा। या कार को हम यहाँ पे पार्क करेंगे फिर। ये वाला एरिया, एक सेकेंड यार, इस वुड को मुझे हटाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेआउट बनाना तो फ्री है ना, तो दैट्स हम लेआउट बना रहे। या ये आ गया यहाँ पे। कार को पार्क करने के लिए मुझे यहाँ पे फाउंडेशन बनाना, मतलब अभी हमारे पास एक ही कार है तो हम यहीं पे पार्क करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहेगा एंड इसके साइड में हम देन वॉल्स लगाएंगे, जस्ट लाइक दिस वॉल्स। ये रही वॉल्स, हाँ वॉल्स। ये यहाँ पे एक वॉल बनेगी क्या यहाँ पे? ये है, मतलब वो हाफ वॉल्स होती है, वो वाली वॉल्स है क्या? नहीं यार, वो वाली वॉल्स नहीं है। हाँ विंडो वाली चाहिए थी मुझे। यहाँ पे रहेगा एंड यहाँ से सीधा कार अंदर जाएगी। मतलब ये छोटा सा मैंने कार के लिए यहाँ पे घर बना दिया है, मतलब घर नहीं बोलेंगे हम इसको, मतलब यहाँ पर कार का छोटा सा गराज हो जाएगा। एंड देन वी नीड स्टेयर्स, तो यहाँ पे मैं स्टेयर्स भी लगा देता हूँ। या ये रही स्टेयर्स कार। अबे यार ये वुड को हटा देना भाई, ये बीच में ही आ रही है। या वुड को हटा दिया और अभी स्टेयर्स लगेगी। या आ गई स्टेयर्स, भाई इस तरफ लगनी है। 1 एंड 2, तो इसके अंदर कार अभी इजीली हमारी चली जाएगी। बट भाई अभी ये पूरा करने में ना हमको बहुत सारे प्लैंक्स लगने वाले हैं, ये इतना ईजी नहीं होने वाला है। एंड ऊपर की छत बनानी है अभी हमको, जहाँ पे हमारी कार पार्क होगी। सबसे पहले हमारा गराज बनेगा एंड देन उसके बाद स्टोरेज एरिया। ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा एंड ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे। परफेक्ट। तो गाइज अभी देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ गाइज अच्छा लग रहा है ये। एंड इसके पीछे पूरा हमारा स्टोरेज एरिया रहेगा। एंड अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो काइंड ऑफ गुड, अच्छा लग रहा है मे बी मेरे हिसाब से। एंड अभी हमको यहाँ पे बस हमारा स्टोरेज एरिया बनाना है। एक सेकेंड गाइज, एक काम करता हूँ मैं। मेरे पास ना थोड़ी सी वुड भी पड़ी है मे बी, जहाँ तक मुझे पता है। तो इस वुड को अभी मैं सीधा जाके सबसे पहले हमारा जो कार का एरिया है उसको बनाएंगे, मतलब
गराज, यहाँ पे प्लैंक्स थोड़े से, ई टू प्रेस, अबे इंसर्ट क्यों नहीं हो रहे, हेलो वेट, सबसे ओके सबसे पहले आई थिंक सबसे हाँ सबसे पहले हमको फाउंडेशन बनाना है, फाउंडेशन बनाने के बाद बाकी की चीज़ें बनेगी। थोड़ा सा आगे लेट्स गो, अभी सारा का सारा जो वुड है वो मैं कार के अंदर लोड कर देता हूँ, एंड यहाँ पे थोड़ी सी और वुड नहीं है, इतनी वुड है हमारे पास। लेट्स गो गाइज, अभी कार को फिर से एक बार ऑन करके इसे रिवर्स लेके सीधा चलते हैं अपना गराज बनाने के लिए। एग्जैक्टली पीछे रिवर्स रिवर्स, नाइस आगे हम लोग। अभी बस यहाँ पे मुझे ये सारी सारी वुड फाउंडेशन में लगानी है, ये आएगा यहाँ पे, परफेक्ट आ गया है फाउंडेशन। ये यहाँ पे थोड़ा सा एक और वुड, भाई काफ़ी सारी वुड चाहिए भाई। फाउंडेशन तो गाइस तैयार हो चुका है, अभी मैं स्टेयर्स को बनाने की सोच रहा हूँ, देन हमारी कार सीधे इसके अंदर जा सकती है। आ जा पीछे कार, ओके आ गई कार पीछे, एंड अभी हम स्टेयर्स बनाएंगे। स्टेयर्स के लिए ज़्यादा वुड नहीं चाहिए होगी, बन गई, ओके गाइस बन गई स्टेयर्स हमारी है, और अभी सीधा कार मैं इसके अंदर पार्क कर सकता हूँ। भाई इसके लिए बहुत सारी वुड चाहिए होंगी। हो गया गाइस फाउंडेशन तैयार हो गया हमारे गराज का, ये वॉल यहाँ पे, ये यहाँ पे, हाँ इजी। और अभी मैं सीधा कार को पार्क ही कर देता हूँ अंदर। गाइस लेट्स गो, क्या ये जाएगी अंदर? ओ एक सेकेंड, कार इसके अंदर जा नहीं पा रही यार। अरे यहाँ पे रैंप है ना, हाँ मुझे रैंप चाहिए, तभी मैं सोचूं कि हम कार को अंदर क्यों नहीं ले जा पा रहे। तो हमको रैंप बनाना है, वुडन रैंप, हाँ ये वाला, एक सेकेंड इसको हटा दो। तो भी सोचूं भाई मैं कि ये कार अंदर क्यों नहीं जा रही है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एंड लेट्स मेक अ रैंप। अबे यहाँ पे लेट्स गो गाइस, अभी ये रैंप से हम कार को ऊपर ले जा पाएंगे। भाई ये बन गया रैंप यहाँ पे, नहीं रैंप के लिए भाई काफ़ी वुड चाहिए हमारे पास है, तो ये रैंप बन जाएगा यहाँ पे। लेट्स गो गाइस, अभी हम कार को ईजिली बाहर अंदर कर सकते हैं। आ जा नीचे भाई, हाँ अभी देखो अभी ईजी हो जाएगा, अभी हम रैंप में से कार को अंदर ले जा पाएंगे ऐसे, और यहाँ पे इसको ऐसे पार कर देंगे। लेट्स गो गाइज, फाइनली हमारा गराज धीरे धीरे बन रहा है, बट इसके लिए वुड बहुत सारी चाहिए। और अभी यहाँ पे मैं ये भी कंप्लीट कर देता हूँ, इसकी छत वगैरह, भाई वुड लकड़ी ख़त्म होगी। लेट्स गो, मतलब अभी हमारा एटलीस्ट जो वेयर हाउस है, जो गराज एंड वेयर हाउस है, वो अभी धीरे धीरे शेप ले रहा है। नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आज के वीडियो में हमने बहुत सारी प्रोग्रेस करी है। सबसे पहले भाई हमने मेरी ड्रीम कार खरीदी है, हमारे ये फार्म में एक काऊ और एक बैल आ चुका है, एक बुल आ चुका है, तो अभी हम उसका मिल्क भी बेच सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम अपना पूरा वेयर हाउस कंप्लीट करेंगे एंड बहुत सारी चीजें करेंगे। सो लेट मी सेड, आज के वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।